योगेश डिंगरा पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए सेक्टर 37 के निवासियों और प्रधान संदीप कुमार ने कहा कि मानसून अभी आया भी नहीं है, पार्कों के हालत बिगड़ने शुरू हो गए हैं। स्थानीय निवासी खुद ही मलबा गिराकर इकट्ठा हुए पानी को सुखा रहे हैं। एमसी ने बरसाती पानी की लाइन डालने का काम भी पूरा नहीं किया, जिससे लोगों में काफी रोष है। निवासियों ने क्या कहा, सुने इस रिपोर्ट में। देश भर में अभी मानसून ने दस्तक दी ही है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 37 सी में स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम पिछले एक डेढ़ साल से परेशान हैं। हमारा जो ग्राउंड है वहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है, जो हमारी पाइपें हैं बारिश का पानी निकलने के लिए, बरसात के लिए अधूरा काम छोड़ दिया गया है। जगह जगह पर पानी इकट्ठा हुआ है, जहाँ मच्छर पनप रहे हैं, आते जाते लोगों को परेशानी हो रही है। तो आइए हम स्थानीय निवासियों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए मैडम जी, कम से कम यहाँ पर एक साल से पहले के मानसून शुरू हुआ था, उस मानसून को देखते हैं सेक्टर 37 के हर घर में एक एक क्वार्टरों में पानी का चला गया, जो कि पाइपलाइन जब प्रशासन को पता लगा एक साल पहले कि यहाँ पर मानसून में लोगों के घरों में किसी के बेड खराब हो गए, किसी के कुछ हो गए, तो उस देखते हुए माननीय श्री यहाँ के जो पार्षद है भाई श्री ढींगरा साहब, उन्होंने एक मुद्दा पास करा, एजेंडा पास करा, जो कि सीवर पाइपें डालने वास्ते बरसाती पर 7 महीने हो चुके, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, ना आज तक उसमें पाइपें डाली गई है, ना बरसाती का कोई मोल बनाया गया। उस विषय को देखते अभी तक सेक्टर 37 में द्वारा फिर मानसून शुरू हो चुका है, और आज इस ग्राउंड की जो करीबन 10 साल इस प्रशासन को बने हुए चंडीगढ़ नगर निगम को गए, अगर हम बात करें माननीय श्रीमती कमला शर्मा की, सिर्फ उनके टाइम पे एक दीवार बनी थी इस ग्राउंड को, आज तक किसी भी नगर निगम के किसी काउंसलर ने नहीं देखा। उसके बाद अगर देखा गया तो माननीय श्री अरुण सूद जी के नेतृत्व में सिर्फ एक पाइपलाइन पड़ी थी, उस विषय को देखते हैं। उसके बाद भाई श्री रीता शर्मा बनी यहाँ की पार्षद, उसने कुछ नहीं करा, पर आज जो सेक्टर 37 है इस ग्राउंड के लिए, क्योंकि ये कॉलोनी वासी है, कॉलोनियों को देखते हैं, आज तक इस कॉलोनी के सेक्टर 37 के इस क्वार्टरों का कोई नगर निगम नहीं ध्यान देता है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि इस क्वार्टरों के जो ये ग्राउंड है बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि लोगों के घर में पानी भर जाता है, कीचड़ होता है, बच्चों के लिए मच्छर है, अगर आप देखो तो कितना डेंगू हो रहा है। कोई यहाँ पर कोई नगर निगम का कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आता, कोई सफाई नहीं होती है, अगर हम लोग किसी को बोले तो कहाँ जाके बोले। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से, नगर निगम से, कि इस ग्राउंड के लिए कुछ ना कुछ तो करें। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या परेशानी है? बेटे यही परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे आगे जो बाहर निकल दिया खड्डा में डिग के घर में जाते हैं, अद्धा तो रेता घर में जाता गा, बाकी बच्चे को बुखार होता गा, फोड़े फिंसी निकल दिया क्योंकि मीठा पानी हुंदा गा। सानू यही परेशानी आ भी इस ग्राउंड दी भी चंगी पहला सुनी जावे साड़ी गल, ये देखा जावे भी ये खड्डे किन्ने आ गए, किन्ना किन्ना मच्छर खड़ा गा, किन्ना गंद पिया गा। इतने सानू तो यही है भी साडा ग्राउंड साफ सुथरा होवे, बच्चे साडे खेडन, साडियां गड्डियां ढंग सिर लगन, जदों चिक्कड़ हुंदा किसी दी गड्डी नहीं ठीक लग सकदी, कोई भी कुछ नहीं हो सकता। साड़ी तो यही बेनती है भी साडा ग्राउंड साफ सुथरा होवे। तो ये कह रही सर भाई, हमारा जो ग्राउंड है, ग्राउंड में बच्चे भी खेलते हैं, पानी भी भरता है, पिछली साल तो इतना बरसात थी, मार तो सारे बैट बूट सारे बेकार हो गए, हाँ सारे कंबल कुंबल बाहर घेरे, और इभी डिमक लग गई, जब ई फिर हमने तो बैट और दूसरे लेने हैं, इतनी डिमक लग गई, ये बताओ क्या करिए। आप क्या कहना चाहेंगे मैडम? हाँ जी मैम, एक तो ग्राउंड में साफ़ सफाई चाहिए, और एक झाड़ू मारने वाले चाहिए, यहाँ पे कोई भी नहीं झाड़ू लगाता है, और एक तो इतना पानी खड़ा होता है कि बच्चे जब भी खेलते हैं तो अंदर जाके कपड़े लिबड़े सब लिबड़ जाते हैं इनके, और पिछली बरसात में तो इतना बुरा हाल होया कि लोगों के पानी घरों में पड़ गए और सारे बेड गद्दे सब खराब हो गए। सर इसका कोई ना कोई सम्मान किया जाए।